देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, जिसमें हम आज की खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज धनबाद दौरे पर रहेंगे, वहीं वे पूर्वी टुंडी प्रखंड के बड़ाबाद में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लेंगे। गिरिडीह और धनबाद जिले का संयुक्त आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आज उच्चतम न्यायालय इस मामले से जुड़ी पहली याचिका पर सुनवाई करने वाला है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के तीन न्यायाधीशों की पीठ करेगी। रेवाड़ी कांग्रेस ने भी प्रदेश में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। 31 सीटों में रेवाड़ी की सीट पर प्रत्याशी का नाम घोषित किया गया है। बता दें कि लगातार दूसरी बार विधायक चिरंजीव राव नामांकन करने जा रहे हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में देश के तमाम वैज्ञानिक इकट्ठा होंगे और हिमालय की मौजूदा स्थिति पर मंथन करेंगे। आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने और संरक्षण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी लाने के लिए हिमालय दिवस मनाया जाता है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई टाल दी गई थी, लेकिन अब इस मामले की सुनवाई आज होगी। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट के सामने चित्रकूट जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। मध्य प्रदेश के सागर में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत आज फिजियोथेरेपी कैंप लगाएगा। इस दिन विश्व फिजियोथेरेपी दिवस भी है। इस मौके पर सभी जिला चिकित्सालय एवं उप जिला स्तरीय स्वास्थ्य संस्थानों में फिजियोथेरेपी कैंप लगेगा। रियलमी अपने ग्राहकों के लिए रियलमी नार्जो टर्बो 5G फोन को लॉन्च कर रहा है। इस फोन का लैंडिंग पेज ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजोन पर पिछले दिनों ही लाइव हुआ है। अब कंपनी ने इस फोन को लॉन्च किए जाने की डेट को लेकर भी डिटेल दे दी है। बता दें कि फोन आज लॉन्च हो रहा है। फाइनेंस कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO आज खुलने वाला है। इस IPO के जरिए कंपनी ने 6,560 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। IPO में निवेशक आज से लेकर 11 सितंबर 2024 तक निवेश कर सकते हैं। पटना के बैरिया बस स्टैंड में बिहार स्टेट बस चालक संघ की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता सुनील कुमार और राजकुमार झा ने की। लंबित मांगों को लेकर आज प्रदर्शन और हड़ताल का ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि ईंधन की बढ़ती कीमतों, भ्रष्टाचार और पुलिस उत्पीड़न से परेशान सभी बस चालक आज पटना में हड़ताल पर रहे। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मानसून के सक्रिय रहने और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की प्रबल संभावना है, जिसके चलते भारी बारिश के प्रबल आसार हैं। राज्य में सबसे अधिक बारिश बूंदी की नैनवा में 141 मिलीमीटर दर्ज की गई। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए नगर डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। साल 1850 में आज के दिन प्रसिद्ध हिंदी लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था। साल 1920 में आज के दिन अलीगढ़ का एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में रूपांतरित हो गया था। साल 1949 में आज के दिन भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। साल 1982 में आज के दिन कश्मीर के नेता शेख अब्दुल्ला का निधन हुआ था। साल 2010 में आज के दिन दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।